हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ संडे की अपडेट देने वाली हूँ, साथ में अडेनियम की अपडेट देने वाली हूँ। वीडियो पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफ़ी टाइम से मैंने पानी नहीं दिया था अपने प्लांट में, तो आज मैंने सबको पानी दिया है, मतलब जिनको ज़रूरत थी उनको पानी दिया है। बड़े प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं दिया मैंने। ये देखिए, इधर के प्लांट अभी भी ड्राई हैं। कुछ यहाँ पे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो बहुत छोटे हैं, पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ठंड की वजह से प्लांट गलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इधर दो सीड पॉट भी बने थे जो अभी तक मैच्योर तो हो चुके हैं लेकिन उन्हें क्रैक अभी तक नहीं हुए हैं, तो ये कुछ टाइम में शायद मिल जाएंगे मुझे ताकि मैं इनको ग्रो कर सकूँ। इधर दो तीन प्लांट की मैंने प्रूनिंग भी की थी और एक ब्रांच इसमें से थोड़ी सी ख़राब हो रही, जो छोटी छोटी सी ब्रांच है उनको मैं आज कट करके हटा दूँगी। तो प्रूनिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपके यहाँ धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बार बार चेंज हो रहा है, उस कंडीशन पर आपके प्लांट थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और बारिश हो गई या फिर मौसम अच्छा नहीं रहा, धूप नहीं निकली, तो उस कंडीशन में फिर आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा सा आप 10 दिन और वेट करिए अभी, और प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं भी कुछ प्लांट के आज देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो प्रून कर लूँगी। और फर्टिलाइज़र वगैरह आप सीडलिंग में दे सकते हैं, जैसे कि नीम की खली बोन मिल मिक्स करके आप उनमें डाल सकते हैं, या तो आप उसका लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। और ग्राफ्टिंग के लिए आप 15 फरवरी तक का टाइम रखें, क्योंकि ग्राफ्ट करने के लिए थोड़ा सा मतलब मौसम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी जब भी मैं ग्राफ्ट करूंगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और आप चाहे तो जो बड़े प्लांट हैं आपके, एक साल से बड़े प्लांट हैं, उनको आप गमले से निकाल करके बाहर भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर एक हफ्ते 10 दिन आपका प्लांट स्ट्रेस में रहेगा, उसके बाद अगर आपको कोडेक्स बड़ा करना है प्लांट का, तो आप थोड़ा सा उनको गमलों से बाहर निकाल कर कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, 10-12 दिन के लिए, तो आपका जो कोडेक्स है ना बाद में और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं। मैं भी सोच रही थी इनको निकाल के रख लूँ, वैसे मुझे कोडेक्स नहीं बड़ा करना था, ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, दो दो ढाई ढाई साल के प्लांट हैं, तो इसलिए। पर फिर भी मैं सोच रही थी न्यू रिपोर्टिंग एक बार कर दूँ, मौसम जैसे ही सही होगा तो मैं रिपोर्टिंग इनकी करूँगी। पर अभी फ़िलहाल ठंड की वजह से मैं भी रुकी हुई। मैंने पॉटिंग मिक्स भी तैयार कर लिया है और यहाँ पर देखिए, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, कंटिन्यू पूरे साल इसने फ्लावरिंग करी है इस बार, और पीछे रेड कलर में भी फूल आ रहे हैं। इसकी पत्तियाँ सारी गिर गई हैं, इसको मैंने लगभग 15-20 से 25 दिन से पानी नहीं दिया होगा, और उधर भी मैंने पानी उस प्लांट में भी नहीं दिया, लेकिन येलो में फूल आने शुरू हो गए हैं फिर भी से। और इधर हमारी सारी सीडलिंग है, कुछ हाइब्रिड सीडलिंग है और कुछ देसी है। ये देखिए, इनमें कलियाँ इस तरह आ रही, इसकी मैं सोच रही थी प्रूनिंग कर दूँ लेकिन इसको थोड़ा लंबा ही रहने दूँगी अब। और यहाँ पर देखिए, डहेलिया हमारा फूल, इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। वीड्स को आप भी निकालते रहिए प्लांट से ताकि आप लोगों को आसानी रहे, मतलब सारी एनर्जी ये सक कर लेते हैं धीरे धीरे फैलते फैलते, तो समझ नहीं आता फिर। तो वीड्स इस तरह से जो भी आपके गमले में निकले आप उसको हटा लीजिए। ये देखिए कितने सारे वीड्स ग्रो हुए हैं यहाँ पर, और ये जड़ से निकल भी नहीं रहे हैं। तो वीड्स जितनी भी ग्रो हो उसको आप सबको निकाल लीजिएगा प्लांट से। और यहाँ पर भी देखिए कुछ अडेनियम है, एक ये बोनसाई अडेनियम था मेरे पास, अपने आप ही बोनसाई बना है इन्हीं सीडलिंग से, पता नहीं कैसे, मतलब इसकी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। इसमें फ्लावर अभी एक भी बार नहीं खिला, पता नहीं कैसे फूल खिलेगा वो भी नहीं पता मुझे। ये देखिए आज एक डबल पेटल में खिला हुआ है सीड ग्रोन प्लांट, और इधर भी हैं साथ में, इसमें देखिए ये फ्लावर भी, और ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला है, ये रेड कलर में ट्रिपल लेयर में इसका फूल आता है। यहाँ पर देखिए इसमें कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, जबकि मैंने इसको लगभग 15-20 दिन से पानी भी नहीं दिया है, और बहुत ही अच्छे, इनकी भी प्रूनिंग करनी थी। कुछ ब्रांच मैंने इसकी ग्राफ्ट करी थी सेप्टेम्बर में, तो ये देखिए रेड कलर की है और ये मैरून है। तो पहले मैंने एक बार ग्राफ्ट किया था तो मैरून में 4 ब्रांच सक्सेस हुई, उसके बाद फेल हो गई थी तो मैंने रेड की कर दी थी, और अभी देखिए इनकी प्रूनिंग कर देती तो ये दोनों सब साथ में बढ़ते। और ये ग्राफ्टिंग मैंने अक्टूबर में की थी जो अभी सक्सेस हो गया है, पर ये अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है। एक सीड पॉट यहाँ पर भी बन रहा है, पर ये
पता नहीं मेच्योर होगा या नहीं। इधर सीडलिंग है, कुछ ग्राफ्टेड प्लांट हैं और जिनमें देखिए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और इनको ही मैंने काफ़ी टाइम से पानी नहीं दिया है वैसे तो। और इसमें भी दो सीड पॉट बने हुए हैं। इसमें देखिए मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है, ये देखिए इसमें येलो है, ये रेड है, एक ही प्लांट में कई सारे ग्राफ्ट किए थे। इसमें पिंक कलर का फूल आएगा, मतलब वेरिएटेड से फ्लावर आएगा, और ये रेड कलर की ग्राफ्टिंग की थी इसमें, ये बहुत अच्छा है। इसकी मैं रिपोर्टिंग बस करूँगी, इस बार प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसको ग्राफ्ट किया था, तो ये अभी बहुत छोटी ब्रांच है इसकी। इधर भी फ्लावरिंग स्टार्ट है, और इसकी देखिए सारी पत्तियाँ गिर गई जो कि मैंने पानी काफ़ी टाइम से नहीं दिया था उस वजह से। बाकी ये भी मैंने सेप्टेम्बर में ग्राफ्ट किया था, इसमें वेरिएटेड येलो कलर का फ्लावर है। और दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखिए ये पर्पल वाला है, बहुत सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती है, ये देखिए बहुत प्यारा सा फूल आता है। इसकी भी ग्राफ्टिंग करूँगी, थोड़ा सीड मेरे जो रूट स्टॉक है थोड़े अच्छे मेच्योर हो जाए तब करूँगी, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इधर देखिए इसमें फ्लावर आया है, इनमें काफ़ी टाइम से पानी नहीं मिला है तो फिर भी ग्रोथ नई स्टार्ट हो चुकी है, जबकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और इधर इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, इसको पानी की बहुत जल्दी कमी हो जाती है इस प्लांट को। और इसकी मैं प्रूनिंग भी इस बार नहीं करूँगी क्योंकि इसकी ब्रांच जो है ना बहुत छोटी छोटी सी है, और इसकी भी प्रूनिंग सोच रही हूँ अभी ना करूँ क्योंकि अभी मेरे पास रूट स्टॉक है नहीं, तो ब्रांच सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो जो बहुत ज़्यादा लंबी है उनकी प्रूनिंग कर दूँगी, जो छोटी हैं मतलब थोड़ी लिमिट में है उनकी प्रूनिंग नहीं करूँगी। और इधर देखेंगे तो ये इनमें भी कलियाँ बनने लगी हैं, ये कटिंग पर मैंने ग्राफ्ट किया था शायद, हाँ। और ये कुछ न्यू प्लांट जो मैंने बाहर से मंगाए थे उनमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ अब आने लगी है, पर ठंड की वजह से थोड़ा सा भी उतना ज़्यादा नहीं दिख रही है। इधर फ्लावरिंग है, तो इस तरह से हमारा गार्डन चल रहा है। तो वही मैंने बताया आपको, आप रिपोर्टिंग अभी मत कीजिएगा, प्रूनिंग वाला प्रोसेस अगर आप करना चाहते हैं तो प्रूनिंग आप कर सकते हैं। प्रूनिंग मैं भी कुछ प्लांट में अभी कर लूँगी जिनमें मुझे करनी है, वैसे मैं ज़्यादा इस पर प्रूनिंग करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास रूट स्टॉक तैयार नहीं हुए हैं, तो मेरी सारी ब्रांच वेस्ट हो जाएंगी। तो मैं इनको जुलाई अगस्त सितंबर में फिर प्रून करूँगी ताकि मैं कुछ प्लांट ग्राफ्ट कर लूँ, अन्यथा तो उस टाइम पे भी मुझे ब्रांचेस नहीं मिलती है। और इधर देखेंगे तो यहाँ से वॉल से मैंने रखा एक प्लांट, मेरे थोड़ा सा डैमेज हो रहा है यहाँ से, ये इधर से ख़राब हो रहा था तो मैंने कट करके इसको देखिए फंगीसाइड लगाया था, और ये अभी इधर से भी थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, तो आज ही मैं इसको हटा दूँगी, नहीं तो ये शायद धूप की वजह से पता नहीं किस वजह से। ग्राफ्टिंग किया था अभी सितंबर में, मैंने वी ग्राफ्टिंग की थी, इसमें देखिए दो ब्रांच और एक मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग की थी, तो इस तरह से। और इधर हमारे सारे सकुलेंट हैं, देखिए अभी मैंने फुल सनलाइट पर ही रखा हुआ है, तो धूप तीन दिन से अच्छी निकलने लगी है, अब शायद बारिश ना हो। इधर सारे हमारे हैंगिंग बास्केट हैं जो सकुलेंट लगे हुए हैं, तो बस यही करना है। आप फंगीसाइड दे सकते हैं अपने प्लांट में, जैसे पानी जब देते हैं ना तो पानी में फंगीसाइड मिला करके दीजिएगा तो प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। पानी चेक करके ही दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा और फिर ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है प्लांट में। और ऊपर से थोड़ा सा ओस से भी बचा के रखिएगा, अगर ठंड ज़्यादा है तो कोहरा है ठंड है, थोड़ा सा प्लांट को बचा के रखिएगा। और धूप में अच्छा फुल सनलाइट में, मतलब प्लांट को छाया में बिल्कुल मत रखिएगा, रात को आप रख सकते हैं लेकिन दिन में अच्छी धूप दीजिएगा, जितनी हो सके फुल सनलाइट प्लांट को मिलेगी तो प्लांट अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।